14 दिसंबर को शादी कर रहा हूँ। बधाई। स्टैंड अप जासूस लेकर आ गया है बहुत सारी अपडेट कॉमेडियन कम्युनिटी से, तो वीडियो क्लास तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं समय रैना के बारे में। वैसे तो समय रैना काफी फेमस है अपने दोस्तों को प्रैंक करने के लिए, पर कल के स्ट्रीम में पहली बार उनको उनके फैन ने ऐसा प्रैंक करा कि शायद ही उन्होंने किसी के साथ ऐसा किया होगा। भाई 18 प्लस हो तो ही ये क्लिप देखना। कसम से भाई, समय रैना को ये फूक जिंदगी भर के लिए याद रहेगी। इस सीन के बाद समय रैना का पूरा स्ट्रीम भी डिलीट हो गया। तो अगले स्ट्रीम में इसी के बारे में सुहानी सा और उनके दोस्तों को उन्होंने इस मूवमेंट के बारे में बताया, तो उनका क्या रिएक्शन था वो भी आप देखो। फूक मार एक बार सुहानी। यू नेवर नो, यू कुड बी। एक जादू दिखाता हूँ, फूक मार। कुछ नहीं, नो जादू। ओ शिट, कुछ। अरे कल मैं ओमेगल पे था यार, एक रैंडम बंदा बोलता है यहाँ चोट लगी, फूक मार फूक मार। मैंने फूक मारी और उसने पर ऐसे क्या, उसने फोन निकाल के ऐसे गंदी फोटो दिखाई मेरे को, ऐसे करके बहुत ही गंदी अश्लील फोटो, मतलब ऐसे क्रीम रोल। क्रीम रोल। अरे ये क्या दिखा दिया भाई, एंगल और एंगल। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो है कुणाल कमरा के बारे में। आपको तो पता ही है कि मोदी जी और कुणाल कमरा का क्या रिश्ता है। कुणाल कमरा हमेशा ही मोदी जी को किसी न किसी तरीके से ट्रोल करते रहते हैं। इस बार भी इंस्टाग्राम में उन्होंने एक वीडियो डालकर ट्रोल करने की कोशिश करी मोदी जी को। आप भी देखो ये क्लिप। आपका एक रुपया दुनिया की किसी बैंक में नहीं पड़ा है, तो आपको परेशानी काहे की? परेशानी किसको होती है, परेशानी किसको होती है? जिनका काला धन विदेशी बैंकों में जमा है उन्हीं की नींद खराब हो रही है। मतलब आपको नींद आती ही नहीं है साढ़े तीन चार घंटे के बाद? नहीं, सबका मेरे से एक ही आग्रह रहता है कि मेरी नींद में बढ़ाऊं। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को, तो तू ऐसा क्यों करता है जी? टू ऐसा क्यों काटर है जी, तुमको दोगुना लगान देना पड़ेगा। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help. लेकिन मैं जैसा आपने कहा रिटायर्ड होने के बाद क्या करोगे, तो पहला काम मैं नींद कैसे बढ़ाऊं इस पर सोचूंगा। तो कुछ दिनों पहले ही अपने चैनल पर एक स्टैंड अप वीडियो अपलोड करा था उन्होंने, उसमें उनसे पूछा जाता है कि आप मोदी जी को इतना ट्रोल क्यों करते हैं, तो उसी के बारे में उन्होंने क्या रिप्लाई दिया आप भी सुनो। तुम लोग के माइंड में और कुछ नहीं होता, इसमें ही मोदी है। आई हेट मोदी एज मच एज यू डू, आई एम ऑल्सो an anti-national question mark. I don't hate Modi, okay? But जैसे ही उनकी शक्ल देखता हूँ गुस्सा आ जाता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो है हसीब खान के बारे में। क्रिएटर के लिए वे दर्शक जो पहली बार उनके वीडियो में कमेंट करते हैं वे बहुत ही ज्यादा स्पेशल होते हैं। तो हसीब खान के पहला वीडियो में पहला कमेंट करने वाले व्यक्ति से कल उनकी मुलाकात हुई। वे शो देखने आए थे उनका बेंगलोर में। शो समाप्त होने के बाद इन दोनों के बीच में मुलाकात भी हुई। उस व्यक्ति ने कमेंट करा था बहुत दूर तक जाओगे लिख कर देता हूं, और स्टोरी में ये लिखा फर्स्ट कमेंट ऑन योर वीडियो एंड यू प्रूव्ड इट। मुझे पता है भाई कि हसीब खान के लिए ये पल एक सेलिब्रिटी से मिलने से कम नहीं था। अब हसीब खान की बात हो ही गई है, तो उनके बारे में एक और चीज के बारे में बात करते हैं। ललन टॉप में आज जाकिर खान का इंटरव्यू आया, उसमें भी जाकिर खान ने इनको प्रेस करते हुए कुछ कहा, ये भी सुना। प्रियांशु का सवाल है कि जाकिर खान खुद में और हसीब खान में कितनी सिमिलरिटी देखते हैं, ये भाई सब कौन है? हसीब एक भोपाल के कमेडियन है, बहुत फनी है वो, है ना, और सब लोगों को उनको देखना चाहिए, सारे नए कमेडियंस को, सब लोगों को, आप लोगों को देखना चाहिए, बहुत सिमिलरिटी है, वो अपने हिसाब से करते हैं, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है उनकी कॉमेडी। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि कल वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि क्या जाकिर खान सही में शादी कर रहे हैं या फिर वो कोई कॉमेडी कर रहे थे, तो उसका क्या अपडेट है भाई, मैं नहीं बतलाऊंगा, आप ही वीडियो को देखो और समझ लो। जाकिर खान की शादी, जाकिर खान के इससे जुड़े इरादों को लेकर, ये तो लोगों का सवाल है जी। तो मैं आज लोगों के सवाल का जवाब वंस एंड फॉर ऑल देना चाहता हूं कि मैं 14 दिसंबर को शादी कर रहा हूं। बधाई। हाँ, नहीं नहीं मजाक नहीं है, मजाक नहीं है, तो वो मैं बता ले दूं मुझे कि 14 दिसंबर को मैं शादी कर रहा हूँ, और आप लोगों को, मतलब आपको, अगर सौरभ भाई तो इन्वाइटेड है, आप पूरा जवाब सुन लीजिए। साल और लड़की भी डिसाइड नहीं किया है। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।